हाय फ्रेंड्स, मैं शुक्ल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अच्छा, अब ये ऐसा बोल रहा है कि ये जो दो नंबर है उसके बीच के इरेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। अब ये दोनों तो रेशनल फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसके बीच में इरेशनल नंबर कौन सा हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको डिवाइड करके चेक करना है। तो हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि भाई 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो पहले क्या मिलेगा। तो पहले डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 0.07 7 ज़ा 49 क्या मिला, 1 0 7 1 ज़ा 7 3 0 7 4 ज़ा 28 2 0 7 2 ज़ा 14 60 7 8 ज़ा 56 4 0। ये सब जीरो जितने भी यहाँ पे या ले रहे हो यहाँ पे हमको ऐड करने पड़ेंगे, वो याद रखना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए, ओके। 7 5 ज़ा 35 5 0 7 7 ज़ा 49 10 7 1 ज़ा 7 3 0। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे चलती जाएगी। तो ये आई थिंक सो ये क्या हो जाएगा कि रिपीटेटिव है 7 1 4 2 8 5 फिर वापस 7 1 4 2 8 5, तो ये चलता ही जाएगा। तो हमको क्या मिला 5/7 का, हमको क्या मिला 5/7 का, हमको मिला 0.71428 बार। बार क्यों रखा है? क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बार रखा हुआ है, वो आपको याद रखना है। नाउ सेम थिंग, यहाँ पे हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं 9 को 11 से, कट नहीं हो रहा है, तो 0 0 पॉइंट, तो 11 8 ज़ा 88 2 0 वापस 11 1 ज़ा 11 8 0 11 7 ज़ा 77 3 0 11 2 ज़ा 22 8 0 11 7 ज़ा 77 3 0 11। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिली, अब रिपीट हो रहा है 11 2 ज़ा 22 8 0। तो ये रिपीटेटिव है। तो यहाँ पे देखो 7 2 7 2 7 2, ये पीछे के नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो हमको करना क्या है कि भाई जो 9/11 है उसका आंसर मिल रहा है, आंसर क्या है उसका, डेसिमल नंबर मिल रहा है 0.8172 बार। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, 7 2 7 2 7 2 रिपीट, इसलिए मैंने 7 2 के ऊपर ही बार लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने डिवाइड क्यों किया, उसकी वजह ये है कि ये दोनों के बीच की हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो जब तक हम इसके बीच इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भाई इसके बीच के इरेशनल नंबर हम कौन से लिखेंगे, ओके। तो इरेशनल नंबर का मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग वो दोनों सेम होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो कंडीशन होती है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये नंबर और ये नंबर मीन्स ये डेसिमल नंबर और ये डेसिमल बीच के कितने 3 अलग अलग रिकरिंग हमारे इरेशनल नंबर चाहिए। तो कौन से फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। 0.71428 और 0.8172, तो ये दोनों के बीच का, चलो एक काम कर रहे हैं 0.72, तो 0.71 0.81 इसके बीच का ही है। तो मैं फर्स्ट नंबर ये ले रहा हूँ 0.72 5 6 7 8 3 2 9 6 0 1 2 3 9 4 2, कोई भी ले सकता हूँ, डॉट 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 चलता ही जाएगा। तो इसको मैंने इरेशनल नंबर, देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ये रिपीटिंग नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट ये हुआ। सेकंड देखो 0.71 और 0.81 के बीच में था, तो मैंने 72 ले लिया। चलो 0.71 और 81 के बीच में दूसरा कौन सा लेना है, 0.75 ले लो,
तो 0.75679213 01 कोई भी डिजिट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, वो याद रखना है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ थर्ड, तो अब देखो 0.71 के बीच में और 81 के बीच में मैंने 72 75 लिया, अब कौन सा लेना है बोलो। अब चलो 0.8008008000840 8 4 times 0 8 ... देखो ये चलता जाएगा, पर आपको ये याद रखना है ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग क्यों? देखो 8 इसके बाद एक जीरो आ रहा है, 8 के बाद दो जीरो आ रहा है, 8 के बाद 3 जीरो आ रहा है, 8 के बाद 4 जीरो आ रहा है, मीन्स ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये 8 के बाद जीरो आ रहा है, अगेन 8 के बाद जीरो आ रहा है, और वापस 8 के बाद जीरो, वैसे ही चलता ही जाता चलता ही जाता चलता ही जाता। तो मैं आपको एक एग्जांपल रिपीटिंग का एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको याद रहे इस वजह से। ये 0.08088080 चलते, ये इसको हम रिपीटिंग बोलते हैं। ओके, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, ये याद रखना है आपको, ऐसे इसलिए हमने ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 3 डिजिट बोले थे मैंने, 3 लिख दिए। सर अगर और कोई लेना हो तो आपकी मर्जी, कोई भी ले सकते हो। 4 ले लेते हैं, 0.71 और 0.81 के बीच में, तो उसके बीच में चलो 0. मैं ले लेता हूँ 79 45692 1012... जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। तो मींस ये याद रखना है आपको, ये नंबर कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, ये मींस चलते ही रहने चाहिए, और नॉन रिकरिंग मींस ये रिपीट होने चाहिए नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।